वहाँ से अभी तक कुल 15 लोग सदर अस्पताल लाए गए हैं, जिसमें से 3 लोगों जो आए वो ऑलरेडी उनकी मृत्यु हो चुकी है। कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही है इसमें? प्रशासन की ही लापरवाही कहीं ना कहीं कहाँ है, ये तो फेलियर है। वहाँ से अभी तक कुल 15 लोग सदर अस्पताल लाए गए हैं, जिसमें से 3 लोगों जो आए वो ऑलरेडी उनकी मृत्यु हो चुकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। अभी हम सिवान के सदर अस्पताल में मौजूद हैं। आंकड़ा जो है मरीजों का जो जहरीली शराब से जो मरे हैं 5 हो गया है संख्या, और जो बीमार हैं उनकी संख्या लगातार 15 से बढ़ रही है। अभी जो जिनके हालात इमरजेंसी में हैं उनको पटना रेफर कर दिया गया है। अभी हम अस्पताल के पास मौजूद हैं, हमसे बातचीत करने के लिए कांग्रेस के काफ़ी युवा दिग्गज नेता शाम जी हैं। सर, क्या वक्त क्या कुछ मामला आपको जानकारी में आया है? बहुत बड़ी घटना है। सबसे पहले तो हम शोकाकुल परिवार के साथ अपनी गंभीर संवेदना व्यक्त करते हैं और उन तमाम लोगों को ढाढ़स बंधाने का, उनको आज जो पहाड़ टूटा है उन परिवारों के ऊपर, उन माताओं के ऊपर जिनके बच्चे काल के गाल में समा गए, वैसी पत्नियां जो कि आज बेवा हो गई। कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही है इसमें? प्रशासन की ही लापरवाही कहीं ना कहीं कहाँ है, ये तो फेलियर है। ये तो उत्पाद विभाग जो है, ये तो इस बात से स्पष्ट हो गया कि उत्पाद विभाग अब उत्पाद विभाग नहीं है, वो तो वसूली विभाग हो गया है। घटना स्थल का जायजा लिए हैं विपक्ष के नाते आप लोग? हम लोग आए हैं अभी फिलहाल, हम लोग यहाँ धरना हमारा कार्यक्रम था, हमको सूचना जैसे ही मिली अपना कार्यक्रम हम लोगों ने तुरंत वहाँ क्लोज करके तमाम लोग शोकाकुल परिवार से मिलने आए हैं। मरीजों से मिल सकते हैं और जाके उन लोगों के जो देना है आप लोगों का खाना पीना वगैरह इंतजाम कराइए? हम लोग प्रयास कर रहे हैं मिलने का, जो भी आवश्यकता होगी इन परिवारों की हम लोग उसको पूरा करने का अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे। अभी मिलने अब नहीं गए, अभी मिलेंगे आप? अभी हम लोग हमारे एक दो साथी हैं उनका हम लोग इंतजार कर रहे हैं, हम लोग अभी तुरंत मिलने जाएंगे। मर जाएंगे तब मैंने मिलने का प्लान ऐसा है, आपको जाना चाहिए। फिर सूचना मिल चुकी है कि कुछ लोग अस्पताल में आप लोग खड़े, कुछ लोग गुजर चुके हैं, फिर सूचना मिली है कि मिलने नहीं दिया जा रहा है, मिलने नहीं दिया जा रहा है। तो दोनों ही स्थितियों में हम लोग अब चाहते हैं कि क्लियर कट बात करें कि क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा है। हाँ ठीक है, हमारे से बातचीत करने के लिए अभी युवा नेता गुफरान अहमद सिद्दीकी हैं। तो ये बताइए आप क्या कुछ आपको जानकारी मिली है इसमें? जैसे हमको सूचना मिली है, अभी हम लोग एक कार्यक्रम में अभी बैठे हुए थे, एक प्रोटेस्ट था बिजली विभाग में, तो सारे हमारे जितना भी नेतागण है, हमारे साथी सहयोगी हैं, सब लोग वहाँ बैठे थे। जैसे सूचना मिली तुरंत हम लोग भागे सदर अस्पताल जायजा लेने पहुँचे हैं। सबसे पहले मैं आपके माध्यम से उस परिवार को मैं अपने तरफ से कहूँगा कि अल्लाह ताला उस परिवार को सब्र दे, जो परिवार के साथ इतनी बड़ी हादसा हुई है, इतनी बड़ी घटना घटी है, उन्हें अल्लाह ताला ज़्यादा ज़्यादा सब्र दे। सरकार अब नहीं रहेगी, यही ना, सरकार कभी सफल रही है क्या? जब से एनडीए की सरकार चल रही है, कभी भी जब से चल रही है अब तक कभी सफल रही है? पूर्ण रूप से शराबबंदी कभी हुई है? शराबबंदी कहने के लिए है, काम तो वही हो रहा है, आए दिन शराब लोग पी रहा है, मर रहा है। ऐसे ऐसे कितने घटना हो चुके अब तक बिहार में शराबबंदी के बाद, आए दिन ऐसे घटना होते हैं। और प्रशासन की मिली भगत बिना कुछ नहीं हो सकता है मेरे भाई, प्रशासन ही ये काम करवा रही है। साराम जी से बात करें, सही बताइए आप लोग इसको लेकर धरना देंगे? नहीं, हमारा तो सबसे पहले तो न्याय का हमारा मांग है। आज आपके माध्यम से हम उन परिवार के लिए न्याय की मांग करते हैं। एक तरफ तो आप कहते हैं कि बिहार में शराबबंदी है और एक तरफ जहरीली शराब, बिहार सिवान कलंकित हुआ है, कौन सप्लायर है ये? सिवान कलंकित हुआ है, जहरीली शराब का फैक्ट्री कहाँ है, कौन सप्लायर है, किसके नाक के नीचे किनको पैसा खिला करके, किनको पैसा खिला करके ये धंधा चल रहा है, जिस धंधे में लोगों की जान ली जा रही है, निश्चित रूप से ये सरकार कातिल है। ये कत्ल का जो इल्ज़ाम है ये सरकार के सर पर है, और सरकार को चुल्लू भर पानी में कहते हैं ना, एक कहावत है, तो आज उस कहावत के अनुसार आज उत्पाद मंत्री को, उत्पाद अफसर को और उस कानून के तमाम रखवालों को डूब मरने का दिन है, शर्म से डूब मरने का दिन है। प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की, 2 लोगों को, अधिकारी को सस्पेंड किया वहाँ पे। भैया आप एक बात बताइए, ये कौन सी बड़ी कार्रवाई है? 5 लोगों की जान की कीमत 2 लोगों की सस्पेंशन है। आंकड़ा बढ़ रहे हैं, आंकड़ा बढ़ रहा, आप कह रहे हैं आंकड़ा बढ़ रहा, तो आप बताइए 5 लोगों की जान जा रही है और आप 2 लोगों का सस्पेंशन। आप जिस दिन सस्पेंशन रिवोक कर लिया जाएगा उस दिन तो आपको पता भी नहीं चलेगा। तो कहीं ना कहीं ये तो आवाम के बीच में एक लीपापोती,
इसको कहते हैं ना कि लीपा पोती, चेहरा बचाने का फेस सेविंग एक्ट है। तो हम इस पूरी घटना की सबसे पहले न्यायिक जांच की मांग करते हैं। क्या कुछ कहेंगे, ये बड़ी घटना हुई है सिवान में आप? सिवान के लिए बहुत शर्मसार करने वाली घटना है, बहुत दुखद घटना है, और जो भी कार्रवाई प्रशासन को करना चाहिए वह तत्काल उन लोगों को जो घायल लोग हैं, जो भी लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, उनको मुआवजा का पूरा प्रयास करना चाहिए। देख सकते हैं कि अभी फिर एक एम्बुलेंस में जो जहरी शराब के जो लोग पिए हुए हैं वो मौजूद हैं, आप फिर आ गए हैं। देख सकते हैं काफ़ी हालात नाजुक बच दिखाई दे रही है। आज सुबह 7:30 के करीब स्थानीय थाना प्रभारी को कौड़िया पंचायत और माघर पंचायत में संदेहास्पद मौत की सूचना मिली। वो सूचना तत्काल मुझे और एसपी साहब को भी प्राप्त हुई। तुरंत कार्रवाई करते हुए अनुमंडल पदाधिकारी महाराजगंज, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी महाराजगंज और भगवानपुर प्रखंड के सभी पदाधिकारियों की टीम बनाकर माघर और कौड़िया पंचायत हम लोगों ने भेजा। साथ में पर्याप्त संख्या में एम्बुलेंस भी भेजे गए। उसी दौरान हम लोगों ने सदर अस्पताल सिवान में भी सिविल सर्जन के नेतृत्व में एक मेडिकल टीम का गठन करके सदर अस्पताल को भी पूरी तरह से तैयार कराया। साथ ही CHC बसंतपुर को भी इसके लिए रेडी रखा। जब अनुमंडल पदाधिकारी और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी वहां पहुंचे तो स्थानीय लोगों के द्वारा, स्थानीय प्रमुख, उप प्रमुख और माननीय मुखिया जी के द्वारा सारी घटना की जानकारी दी गई। एक को इलाज के क्रम में रेफर करना पड़ा पटना, और पटना जाने के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई। तो कुल 4 लोगों की मौत हुई है। 8 लोग अभी सिवान सदर अस्पताल में इलाजरत है, जिनमें सबकी स्थिति सामान्य है। एक व्यक्ति की स्थिति थोड़ी नाजुक है, जिसको हमारे डॉक्टर्स की टीम लगातार देख रही है, और 3 लोगों को हम लोगों ने पटना रेफर किया है PMCH। सिविल सर्जन सिवान के द्वारा पटना PMCH के अधीक्षक महोदय से भी वार्ता कर ली गई है। वहाँ भी उनकी टीम पूरी तरह से तैयार है, यहाँ से जब मरीज वहाँ पहुँचे तो उनका समुचित इलाज हो। इस प्रकार कुल 15 लोग सदर अस्पताल आए, जिसमें 4 लोगों की मृत्यु हुई, 3 लोगों की मृत्यु ब्रॉड डेड थी, 1 रेफर के क्रम में, 8 लोग यहाँ इलाजरत है और 3 पटना PMCH के। इसके बाद हम और SP साहब स्वयं हम लोग सुबह से गौरिया पंचायत और माघर पंचायत में हम लोग गए थे। हम लोग जो 3 जगह पे जो घटना हुई है वहाँ पे हम लोग गए। वहाँ पे हम लोगों ने वहाँ के चौकीदार, 2 चौकीदार हैं, उसको तुरंत निलंबित कर दिया गया है। साथ ही में स्थानीय थाना प्रभारी और मद्य निषेध का थाना महाराजगंज पड़ता है, जिसके क्षेत्र में यह जगह पड़ता है, वहाँ पर भी हमारे SI और ASI पोस्टेड, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ सचिव मद्य निषेध विभाग के द्वारा भी एक टीम पटना से घटनास्थल पर भेजी जा रही है। जिला स्तर से भी हम लोग अपर समाहर्ता के नेतृत्व में प्रथम दृश्य इंक्वायरी के लिए एक टीम का निर्माण कर रहे हैं। इस प्रकार तुरंत कार्रवाई करते हुए कार्रवाई भी की गई है, लोगों को लाया भी गया है। साथ ही दोनों पंचायतों में हम लोगों ने अभी वर्तमान में भी मजिस्ट्रेट्स और पुलिस पदाधिकारी को रखा है। साथ में पंचायत में ही एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई, यदि कोई व्यक्ति और बीमार पाए जाते हैं तो उनको हम लोग त्वरित गति से सदर अस्पताल या स्थानीय CHC में ला के उनका इलाज कराया। सर, वो पहचान की गई है सर कि आखिर ये शराब कहाँ से, किस तरीके से, कौन लोग हैं सर ये? इसमें मृत्यु का जो कारण है वो निश्चित रूप से पोस्टमार्टम और बाकी जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। स्थानीय लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि यह मद्य शराब के कारण हुआ है, इसलिए जब तक पूरी जानकारी हम लोगों को विश्रा जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ जाता है तब तक हम लोग कंफर्म नहीं कर पाएंगे। अभी तक मौत क्या करा सर, क्या आया सामने? टोटल 4 लोगों की मौत हुई है, 3 लोग ब्रॉड डेड थे, 1 रेफर के क्रम में 1 की मौत हुई। तो ये देख सकते हैं कुछ संदिग्धों के नाम हम लोग को प्राप्त हुए हैं। पुलिस अधीक्षक ने स्वयं और हमारे थाना प्रभारी SDPO ने जो भी अभी देखा है स्थल पर, कुछ संदिग्धों के नाम प्राप्त हुए हैं। SIT गठन करके SP साहब के द्वारा लगातार छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि निश्चित रूप से जो लोग भी इसमें यदि संलिप्त होंगे, यदि घटना यदि यह शराब के कारण हुई और उस तो उसमें जो भी लोग संलिप्त होंगे उसको तुरंत पकड़ा जाएगा, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई। ग्रामीणों के द्वारा स्थानीय चौकीदार और थाना आरोप लगाए जा रहा है, तो हम जैसा हमने बताया कि दोनों चौकीदारों को SP साहब ने तुरंत निलंबित कर दिया है, और स्थानीय थानाध्यक्ष, मद्य निषेध का भी थाना वहाँ चलता है महाराजगंज, जिसके अंतर्गत भगवानपुर प्रखंड आता है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई करने की प्रक्रिया जारी है। चाचा जी, ऐसे थाना छापेमारी भी किया है वहाँ? चाचा जी, पहले बात नहीं मिला, लेकिन रही बात कि जो लड़का क्वेश्चन किया है कि इससे पहले कोई अगुवाई नहीं करता है, प्रशासन को सूचित नहीं करता है ना कि हमारे क्षेत्र में दारू बिकता है, कहीं ना कहीं इसमें हो सकता है कि
जो गांव के जनप्रतिनिधि हो या जो भी कोई हो उनके संरक्षण में लोग जी रहा हो शराब माफिया। अभी तो नहीं, शराब माफिया यहाँ तो लोग है ये रिटेलर, ये लोग बेचने वाले हैं ये लोग, लेकिन जो शराब माफिया है जो पहुंचाता है और कब रात में पहुंचाता है, तो हम लोग यहाँ जिम्मेवारी है, हम लोग का जिम्मेवारी है कि हम लोग यहाँ देखेंगे कौन रात में लेके आता है गाड़ी से माल पहुंचा के जाता है। लगता है देखना हमारा काम नहीं ना है, चाचा लगता है कि नीलों का सब माल है तभी लोग मर रहे हैं। हाँ जी, आपका परिचय? आपका परिचय? प्रमोद सिंह नाम है, हमारा घर बसूली यही इसी गाँव में है। जैसे तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।